मैं यूं कहूँ भाई, नोएडा में रहने का इतना फायदा, 300 के होने ही वाले थे, कहीं से भाइयों को पता लगा अंकित भाई गए, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं केक लेके आऊंगा भाई। भाई देखे जुगर घी के दाल दूल खानी पड़े, दिन दो रहना पड़े, तेल ही बनाओ। क्या फिटनेस इंडस्ट्री वाले पैसा कमा पा रहे हैं? भले क्लब जावे, दारू पिए, वाइन पिए, कुछ भी पिए, मैं सब अलाउ करूंगा, पर तेरी वाइफ को। बड़ा टास्क किया जा रहा, तार दी भाई, साला इसका जो धागा सा जो रहे सफेद सा, हाथ में को निकल जा, जब उसका अल्ट्रोज का करा था, जब मेरे चोट लगी थी इसे पाड़ने पाड़ने में, कट लगे हुए। मेरे टोल पे पहुंचते ही याद आया कि इस वाली गाड़ी का तो नया टोल स्टिकर भी बनवाना पड़ेगा, फास्टैग तो करवा रहे, रजिस्टर लगेंगे 5-10 मिनट और, आज ही इसका नंबर डलवा के लाए, 10-20 मिनट वहाँ लगी, फिर इसमें हवा भरवा के लाए, 10-20 मिनट वहाँ लगी, शाम होगी आज हमें इसके काम में। माल ले मगा अभी भी गली में को निकल ले रहे, पीछे वाले पे जाम लगा रहे हैं, मेरे टमको जो साइड में को बचा हुआ है टोल, पर कई बार पुलिस वाले भी खड़े रहे हैं, दुगना देना पड़ेगा। बनवाया तो भाई फास्टैग, अब देखा काम करे नहीं करता, कह रहा था भैया 1 रुपया भी होगा तो भी क्रॉस हो जाएगा फास्टैग, कभी साले चोरी का लगा, अब छोटा सा लगा लगा क्या, अब छोटा थोड़े दिन में यूं कह रहे कि ये जीपीएस लिंक्ड हो जाएगा, पता नहीं तब कैसा होगा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे गडकरी जी। जीपीएस क्या, नंबर प्लेट स्कैन स्कैन हो गया, हाँ वहाँ नहीं हुई नंबर प्लेट ही स्कैन होती बाकू में, कुछ तो है साहब, है तो बायोटेक तो है, हाँ बाहर टेक्नोलॉजी बड़े लेवल, हमें धीरे धीरे दी जा क्योंकि एकदम खपा नहीं पाते हैं, पचा नहीं पाते, देखेंगे हरी बत्ती जले गया यहाँ बजा गई, दुराड़े के लड़के आ गए एकदम साले, लोग तो यार नाम बताते रह जा, मैं तो फौजी का, हाँ मैं तो जी मेरा तो गार्ड बने रहा, मैं तो यही टोल पे काम करे करू था, मैं तो जी दुराड़े के संजीव भाई को जानू, संजीव भाई फिर कौन उठाते हैं टाइम पे, ब्लैक लिस्ट है गाड़ी, निकल नहीं पा रही, देख ले किंग को, गाड़ी हो रहा और खुद का हो रहा बिल्कुल खराब, मन नहीं निकिंग एंड में कैश ही देना पड़ा, अब देखे भाई हमारे वाले में ग्रीन जलेगी या नहीं, या नहीं फिरेंगे हम धक्के खाते ही, अरे अरे मजा आ गया एकदम पकड़ दिया, गिरा भी नहीं था पूरा भाई, इसमें ही है इज्जत तो इज्जत मोटा पैसा कर रखा रिचार्ज, आओ महिंद्रा के कस्टमर बैठे क्या ऊंचे सी बगू भाई, मैं वही कह रहा हूँ आदत सी नहीं है भैया, मैं इतनी ऊंची पे बैठने की, अब तो सीढ़ी चढ़ के डाल लो बड़े भाई, फील तो है भाई, हाँ डाल लो हर 20-25 वीडियो बाद ऊंचे ऊंचे ही वहां ना हो, मैं ये कह रहा था कि अभी अपडेट नहीं हुई चीज है ना सोशल मीडिया पे, रोस्टर के घर में सिर्फ रोटी नहीं बन रही, स्कॉर्पियन भी आ रही है, गाड़ी आ रही है महिंद्रा के जो है शोरूम पे, नाम चला रखा पैसा चल पैसा जा रहा है महिंद्रा को दबा के, पूरी स्क्वाड ने नाम डाल रखा है, यूके एक एक मॉडल सारे काट दो तेरे भी निकाल ले, अरे एकाध वो निकलवा ले उनका, वो है ना पिकअप ट्रक वगैरह वो भी निकलवा ले, लेकिन मैं कह रहा था हमने अनइंटेंशनली एक काम बढ़िया कर दिया, टाटा और महिंद्रा से ही खरीद रहे, नहीं तो गाली वैसे भी पड़ सकी थी बहुत, देश के बारे में कुछ एक ने कमेंट में बड़ी तारीफ मार रखी मेरी कि जब भी खरीदते हो देश का ही खरीदते हो, मगर अच्छा जी ये भी बात है, मगर तो पता ही नहीं था, तो सोचा नहीं था मैंने, माल है बाबा की दया से, अगर तेरी वाइफ क्लब जावे या ड्रिंक व्रिंक करे तो तू अलाउ करेगा, मतलब छिना लो मारी वाली के लिए तो गेट पे भी एक लोक लगेगा जिसमें मेरा वॉइस नोट चाहिए होगा, खोल लो भाई बड़े मुझे आज की हमारा एक व्लॉग चैनल भी है बड़े भाई, तो बताओ मैं कौन सी स्टोरी देख लिया जी, तेज चलाऊंगा गाड़ी, तेज नहीं चलाते लड़कियों के बिस्तर में घुसने के लिए डाल अरे तो बहुत तेज चला अच्छा बहुत सारी लड़के भी सोचे फरारी वगैरह लैम्बोर्गिनी की टी शर्ट पहन, अरे बहुत फेक है फरारी बन जाएगी, यो इतनी फेक है वीडियो में देखो इस साइड यो पुमा चलो तो मोटर स्पोर्ट, ये फरारी और इधर एक और है AMG इधर कुछ और भी है, पीछे स्विफ्ट तो ना लिखा हुआ देख ली, पीछे भी है कुछ,
जो किसी के नहीं है इन्हें बेच दे, इनको तार आ जाएंगे। वो कर लिया यार, कपड़े भी ना पहनने कर, पेंट करवा ले शरीर पर। ब्रेकर भी तो आ रहा था नीचे भी। स्पीड ब्रेक बाल तो दोनों के ढाका कहीं खड़ा हो इसमें। अरे तू चप्पल कब ला रहा है ना? बहुत दिन से मुझे भेजो, देखो जो देखो बाल इन्हें पीछे बांध ले, नहीं पीछे ट्रॉली की तरह जोड़ ले चप्पल। वो पोछा करिए इधर, इन्हें ट्रॉली की तरह हाइड्रोलिक उससे जोड़ दे। वो क्या बोल लग रहे हो, गोल गोल से रहे बड़े भाई। मैं चाहूँ तेरी इज्जत बनी रहे पर आगे जाके बोल ले तो बोल ले भाई। तो आज जो है फ्लैट पे लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है भाई। आपका नाम क्या है? नीलश। क्या आसपास के अरिजीत सिंह ही हैं। तो अभी चार पांच गाने हमने सुने, अभी एक ऐसा गाना डिमांड हो रहा है जिससे कि क्या हो जाए, डिसाइड हो जाएगा आज, डिसाइड हो जाए और किसी को खोने का रिग्रेट हो जाए। कुछ ऐसा सुना तो बिल्कुल जो पूरी रात दारू पी कर रोते रहे। सच में मतलब ऐसा लगी वो क्यों चली गई, मतलब ऐसा सा फील हो। हाँ सच में मतलब कुछ खोया नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ खो दिया हमने। हाँ। ऐसा करना यही बात थी। चाय ले लो, पर इतने बीच बीच में भाई को वो लाके दो शायद। हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ भाई का एकदम आवाज ना एकदम सेक्सी हो जाएगी। क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब खास जगह बैठे हो, पर तेरी आवाज चुभ रही बहुत। भाई को लगाओ फिर पूरे नंबर है। मतलब अगर मेरी टी सीरीज होती तो अभी मैं 50% तो एकदम लिख देता। नहीं नहीं सच में यार, सच यार अच्छा यार, इससे अच्छा नहीं सुना। सुना शौर्य कभी? नहीं लाइव से इतना अच्छा नहीं सुना होगा। मजा आ गया आज तो, क्लब वाला मजा आ गया घर पे एकदम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जब गाना शुरू हुआ ना तो गाने का फ्लो बना बहुत तगड़ा, साइड में से मनीत की ऐसी आवाज आई मेरी चुटकी बोल रही है, मेरा फ्लो टूट वाले ने। मैंने ये सोचा मगे तो गड़बड़ हो गई भाई। ए गाना चलते ही दो दिन गाड़ी लेके निकले नहीं हम, पंचर इसमें पहले हो गया। कल भी इसमें 25 दिखा रहे थे एयर प्रेशर, बाकी सारे टायर का 35-35 था, इस एक का 25 था जो ड्राइवर साइड वाला टायर है। मैंने हवा डलवाई 40 करवा दी बल्कि उसमें, फिर आज फिर 25 दिखा रहा। तो हमें एक जगह जाना था कुछ अपने पुराने मित्रों से मिलने, पर वापस ये 25 दिखा रहा। मैंने शौर्य से कहा कि यार कल सुबह हमें यहाँ से थोड़ा दूर निकलना, मैंने कहा अभी दिखवा दे, फिर तो कल सुबह सुबह भी निकलना और अब भी रात हो जाएगी तो फिर यो कहीं दिखाया भी नहीं जाने का। अगर इतनी उठवा दें मॉडिफिकेशन में देखो भाई, इतनी उठी हुई तो मजा लगा देगी। इतनी ऊंची है भाई हमारी स्कॉर्पियो, हम तो ऐसे ही चले उठा सके। भैया हाइलेक्स हो जाएगी, इतनी हो जाएगी पर बहुत गुंडी लगा करेगी। 100 करोड़ हाँ, पर कहना बस गाड़ी गाड़ी नहीं बचने की। मैं यूँ कहूँ भाई, नोएडा में रहने का इतना फायदा, 300 के होने ही वाले थे, कहीं से भाइयों को पता लगा अंकित भाई गए, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं केक लेके आऊंगा भाई। लो एडवांस में ही केक कटवा दिया मेरा 300 के इंस्टाग्राम का। आज बात तो राड की कर रहे भाई, प्रिपरेशन दिख ही रहा होगा। भाई ने नु कह दिया प्लेट नहीं देने के, हाथ पे ही खानी पड़ेगी। देसी वो अखाड़े वाला सिस्टम है बिल्कुल, इसमें अपना कढ़ाई में ही सीधा बजेगा। हाँ सीधा। ए लो ये भी रंगे की बोतल डाक ले आ रही है। इससे पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ फिटनेस वाले कुछ नहीं कमा पा रहे। भाई रो देख जुगर घी के दे दाल दूल खानी पड़े, दिन दो रहा ना पड़ा तो तेल की बनाओ उस्ताद। क्या फिटनेस इंडस्ट्री वाले पैसा कमा पा रहे हैं भाई? पैसा तो देख लिया पता, प्लेट के पीछे नहीं जुड़ पा रहे पूरे। भाई यहाँ पे आए थे साइड में, यहाँ पे ग्राउंड और कैफे हैं सेक्टर 118 में। ये जगह है मैक्स भाई की, जो एक लंबे से भाई बैठे थे साथ में, तो मैक्स भाई भी अपने पुराने दोस्त हैं, राजवीर भाई के थ्रू बने थे और अंकित भाई से भी बहुत पुरानी बातचीत है, तो सब मिलने को कहते रहते भाई, मिलते हैं बैठते हैं मिलते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि हमें कहते। तो आज मैक्स भाई का मेरे पास फोन आया
कि भाई अंकित भी आया हुआ यहीं पे ग्राउंड पे, तो आज आ जाओ, आज मिलेंगे। मैं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया दिन है। पर इस ग्राउंड की खास बात अभी दिखा रहा मैं, ये सेक्टर 118 है, यहाँ पे लगातार बहुत सारे कैफे हैं, रात में भरे रहे पूरे। इसकी एक खास बात है कि पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हम रात को 8 बजे आए थे और हमें मिले थे राजवीर फिटनेस सीरीज करके, जो राजवीर भाई है वो, और इस बार मैक्स भाई ने बुलाया, इन्हीं का ये ग्राउंड। इस बार भी हम रात को 11 बजे के आसपास आए। इस ग्राउंड से जो छुट्टी हो ना, जो वापसी जाने का टाइम हो, वो हमेशा जब दिन निकलने वाला हो, सूरज निकलने वाला हो, वो टाइम हो। आज भी हमें वही टाइम हो गया बिल्कुल। भाई वो भी जगे रहे, मुझे लगा थोड़ी देर बाद सोएंगे ये, क्योंकि भाई जब हम गए जब दंड वंड मार रहे थे, तो इन्होंने पीछा खड़ा भी बनाया हुआ कि दिन सुबह आऊँगा तब दिखाऊंगा। तो बातचीत चल रही थी, मैं कहा सोएंगे थोड़ी देर में और अपना हम भी अपना निकलेंगे, क्योंकि हमें सुबह आज सुबह 6-7 बजे हमें जयपुर के लिए निकलना था। अच्छी बात यह है कि आज कोहरा बिल्कुल नहीं है, बस जितनी है धुंधी पड़ रही है। अगर हम चाहें तो थोड़ा और जल्दी निकल सकें जयपुर के लिए, क्योंकि हमें जहाँ जाना वहाँ जाने में भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हाँ 11-12 बजे तक तो पहुंच ही ना, हमारा ट्राई है। यू कम से भी कम पौन घंटे से चल रहा है इस पे। एक टप का पानी डाल के देखो, रुकिए एक मिनट। और भाई भाई साहब ये उड़ जाएगा, ये पानी उड़ जाएगा। ये क्या हो रहा, मर बर्तन जानेंगे हम इस पर हाथ लगा था इस टाइम। आज रात खत्म होने से पहले, कल सुबह शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई सबसे, जो हमेशा ध्यान रखना। जा रहा है फिर तू? एक दिन जरूर आएगा। ये पसंद नहीं है ऐसे चैनलों वाले, इस पे उतर जा थोड़े दिनों बाद। एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आ सकते। वही है, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तेरी बोन फाड़ दूँ। अरे तेरी बहू के सामने तुझे यूं करके, तेरी बहू के सामने तेरी पैंट नीचे तारे का भाग जाएगा यार, तेरी बहू की तारे का। कुछ लोंडे साले कच्चे बच्चे भी तो चुरा के भाग जाए, तार पहले कच्ची चुरा के भाग जाए। क्या फैंटेसी है, यू क्या फैंटेसी है, कच्ची चुरा के पता भी लग जाता है तेरे जैसे बालक थोड़े बिटे। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी बहुत सुंदर लड़की की कच्ची चुराऊं। हमारी तो छत किसी से जुड़ी नहीं हुई, धागा तुमने तो पड़ोसी टूट के घर हमारे वजह से कच्ची है, कच्ची हमारी तो छत क्या, हमारे तो गली है, गंदा गली में आ गए भाई, आ गए हाथ में लड़कों के फोन आ गए, फुड़वाया गुल्ला कभी।